उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीट के चुनावी परिणाम आ गए हैं। 5 MLC सीटों पर हुए इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ गया है। इस बंपर जीत से जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी BJP जश्न के माहौल में डूबी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में मायूसी छाई है। MLC चुनाव में BJP की जीत पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए एक दूसरे को बधाई दे। उन्होंने कहा है कि इससे पहले हुए बाकी के चुनाव, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, सभी चुनाव में जिलाधिकारी और कप्तान तक दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें, ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा, जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। बगल का जिला है लखीमपुर, जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद MLC का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में? वहीं MLC चुनाव नतीजों पर किए सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस प्रदेश में हुए चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए और कहा इस तरह से चुनाव का फेयर होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका काम करने का तरीका अलग है। अखिलेश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अपनी इच्छा से मतदान भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद MLC का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा। आपको बता दें, विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। भाजपा की 5 में से 4 सीटों पर जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी है। इन चुनावी परिणामों के बाद जहां भाजपा खेमे में जश्न मन रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खेमों में सन्नाटा पसरा है।